एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन खबर आ रही है कि मतदान प्रक्रिया के बीच नक्सली हमला भी हुआ है। सुकमा के ताड़मेटला में और दुलेड़ में के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं कांकेर जिले में बांदे थाना क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुई है, कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया जारी है और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि एक नक्सलवाद एरिया है और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि मतदान प्रक्रिया के बीच नक्सली हमला हुआ है। सुकमा के ताड़मेटला और दुलेड़ के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसमें कांकेर जिले में बांदे थाना क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुई है और कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर सामने।